The topic we will be discussing in this video is exocrine pancreas. Under this topic, we will be discussing the introduction of pancreatic secretion, composition of pancreatic juice, pancreatic enzymes, trypsin inhibitor, and case of acute pancreatitis, secretion of bicarbonate ions, regulation of pancreatic secretion, phases of pancreatic secretion, why secretin, which leads to the watery solution of NaHCO3, is important. रोल ऑफ सिक्रेट इन एंड रोल ऑफ कोलेट्रोक इन रोल ऑफ सी सी के सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन विथ इंट्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक सिक्राउ कमिंग टू इंट्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक सिक्रीशन सी पेनक्रियाटिक एनजाइम्स जो होते हैं वो पेनक्रियाटिक एसिनाइ से सिक्रीटेड होते हैं सिक्रीट किए जाते हैं पेनक्रियाटिक एसिनाई दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द पेनक्रियास जो पेनक्रिया पेनक्रियास जो ग्लैंड है उसके जो पेनक्रियाटिक एस होते हैं वो पेनक्रियाटिक एंजाइम से करते हैं लेकिन एन सॉल्यूशन भी सिक्रीट किया जाता है पेनक्रियास के थ्रू बट ये मेन पेनक्रियास प्रॉपर से सिक्रीट नहीं होता है ये पेनक्रियास ग्लैंड के जो स्मॉल डकट्यूल्स या फिर लार्ज डक्ट हैं पेनक्रियास के वो सिक्रीट करते हैं सो so, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक एंजाइम्स और एनएस एन एच सी ओ थ्री सोल्यूशन दैट इज वाटरी सोल्यूशन ऑफ एन एच सी ओ थ्री सिक्रीट होता है जिसमें से पेनक्रेटिक एंजाइम्स मेन पेनक्रेटिक एसनाई से सिकट होते हैं जबकि एन एच सीओ थ्री सोल्यूशन जो होता है वो स्मॉल डकट्यूल्स एंड लार्ज डक्ट ऑफ द पेनक्रिया से सिक्रेट होता है ये एंजाइम्स और एनएच सीओ थ्री जो होते हैं ये दोनों मिल करके लॉन्ग पेनक्रैटिक डक्ट के थ्रू फ्लो करते हैं जिससे हेपेटिक डक्ट जा करके ज्वाइन करता है जो कि बाइल बाइल लेकर के आ रहा होता है और फाइनली ये ओपन होता है ड्योडनम में पैपिला ऑफ वेटर पे पैपिलानम में जाकर के ओपन होता है सेकेंड पार्ट ऑफ द डिओडनम में ये जाकर के ओपन होता है थ्रू पैपिला ऑफ द वेटर जो कि सराउंडेड होता है एक स्पिंगर से जिसको हम लोग कहते हैं फिंगटर ऑफ ओटाइट सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक सिक्रीशन आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द पेनक्रियाटिक सिक्रीशन वी विल बी कमिंग टूवर्ड्स द कॉम्पोजिशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस कमिंग टू द ऑफ पैनक्रियाटिक पैनक्रियाटिक जूस जूस मेनली वाटर और सोल्यूट्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसमें सोल्यूट्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सोल्यूट्स दोनों होते हैं इनऑर्गेनिक में सोडियम बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयन प्रेजेंट होता है वाले ऑर्गेनिक में एंजाइम्स और म्यूसिन दोनों प्रेजेंट होते हैं जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीलिटिक एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाटिक जूस के अंदर माइलोलिटिक एंजाइम्स भी होते हैं लिपोलिटिक एंजाइम्स भी होते हैं और ट्रिप्सिन भी होते हैं और म्यूसिन प्रेजेंट होता है इसके अंदर। सो दिस जूस आफ्टर कंपोजिशन ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस वी विल बी डिस्कसिंग द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स नाउ कमिंग टू द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स एनक्रियास के अंदर तीनों मेजर टाइप्स ऑफ फूड को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन तीनों चीज़ों को ये डाइजेस्ट करने के लिए ये एंजाइम से क्रिएट करता है प्रोट्योलिटिक एंजाइम्स जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए होता है वो इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइटिस ये जो ट्रिप्सिन कार्बोकाइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पोली होता है ये प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है और पेप्टाइड्स को एमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है उसके बाद दूसरे ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर एमाइलोलिटिक एंजाइम्स एमाइलोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं इसमें जो एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेस जो कि स्टार्च या फिर ग्लाइकोजन का हाइड्रोलिसिस करके उसको डाइसेक्राइड्स या फिर ट्राइसेक्राइड्स में कन्वर्ट करता है थर्ड ग्रुप ऑफ एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है लिपोलिटिक एंजाइम्स जो कि फैट या फिर लिपिड का डाइजेशन करता है इसके अंदर जो लिप्टोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं पैनक्रियाटिक लाइपेस कोलेस्ट्रॉल लाइपिस एंड फॉसफोलाइपिस ये लाइपेजेस जो होते हैं जिसमें से पैनक्रियाटिक लाइपेज फैट का हाइड्रोलिसिस करवा करके उसको फैटी एसिड और मोनोग्लिसाइड में कन्वर्ट करवा देता है कोलेस्ट्रॉल लाइपिस कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स का हाइड्रोलिस करवाता है और इसको कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है और फॉस्फोलाइपिस जो होता है वो फॉस्फोलिपिड्स का हाइड्रोलिस करवा करके उसको फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है सो दिस दिस इज दैट द पेनक्रियाटिक दिस इज ऑल पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जिससे हमें पता चला कि ये जो पेनक्रियाटिक्स सारे के सारे एंजाइम्स हैं वो सब मिल करके सारे के सारे थ्री मेजर टाइप्स ऑफ द फूड को डाइजेस्ट करते हैं इसमें से अगर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स की अगर हम लोग बात करें दैट इज ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी ट car सारे सारे होते हैं फॉर्म क्या होता है ट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सी पोलीपेप्ट इनएक्टिव फॉर्म होता है जिसमें ये सिक्रीट होते हैं इसमें से इनका एक्टिवेशन कैसे होता है तो ये जो काइमो होता है ना ये एक्टिवेट होता है बाई एंटेरोइनीस ये एंटेरोइनीस इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रीट होता है जब हमारा काइम जो होता है वो म्यूकोसा के कॉन्टैक्ट में आता है तो जो भी काइम आ रहा है गट में जैसे ही वो म्यूकोसा के साथ कांटेक्ट में आता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के जैसे ही कांटेक्ट में आता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंटेरोइनीस सिक्रीट करता है जिसकी वजह से ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है अब ये ट्रिप्सिन फर्दर और ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है और प्रोकार्बोक्सी पोलिपेप्टिस को कार्बोक्सी पोलीपेप्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है एंड फाइनली हम लोगों को एक्टिव फॉर्म ऑफ पेनक्रियाटिक एनजाइम्स मिल जाता है सो दिस वॉज अबाउट द पेनक्रियाटिक एनजाइम्स आफ्टर पेनक्रियाटिक एनजाइम्स यूलिन इनिबिटर एंड द केस ऑफ अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस कमिंग टू ट्रिप्सिन इनिबेटर इन केस ऑफ एक्ट पैनक्रिएटाइटिस ट्रिप्सिन इनिबेटर सीक्रीट होता है अलॉन्ग विथ पैनक्रिएटिक एनजाइम्स ताकि पैनक्रियाज का डाइजेशन ना हो सके अगर ट्रिप्सिन इनिबेटर नहीं होगा तो ट्रिप्सिन एक्टिवेटेड रहेगा और ट्रिप्सिन अगर एक्टिवेटेड रहेगा तो वो बाकी सारी चीज़ों को लाइक काइमोट्रिप्सिनोजिन हो गया और प्रोकार्बोक्सी पॉलीपैप्टाइटिस को इस्ट, स्टुमुलेट करके दैट इस, इस्ट, इज स्टमलेट करके उसको टाइमोट्रिप्सिन और प्रोकार्बॉक्सी और प्रोकारबॉक्सी पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा जिसकी वजह से पैनक्रियास का खुद का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा सो so, पैनक्रियास के खुद के डाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए ट्रिप्सिन इनिबिटर भी सीक्रीट होता है पेनक्रियाटिक एंजाइम्स के साथ अब केस ऑफ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस क्या होता है अगर सीवियर डैमेज हो जाता है पैनक्रियास का या फिर ब्लॉकेज हो जाता है पेनक्रियाटिक डट का तो सिंपल सी बात है कि अगर ब्लॉकेज या फिर सीवियर डैमेज हो जाएगा इस वजह से पूलिंग ऑफ द पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस हो जाएगा डैमेज एरिया में क्योंकि अगर ब्लॉकेज हो गया है या फिर डैमेज हो गया है पेनक्रियाटिक डक्ट या फिर पेनक्रियाटिक uh, डक्ट का लाइक like, अगर ये पेनक्रियाटिक डक्ट है अगर ये पेनक्रियाटिक डक्ट है एंड दिस इज द पेनक्रियास पेनक्रियास का अगर डैमेज हो रहा है या फिर पेनक्रियाटिक डक्ट का अगर ब्लॉकेज हो रहा है इन दोनों ही केस में जो पेनक्रियाटिक सिक्रीशन है वो डैमेज एरिया में जाके पूल हो जाएंगे इकट्ठा हो जाएंगे डैमेज एरिया में जाके इकट्ठा हो जाएंगे और आगे की तरफ सिक्रीट नहीं हो पाएंगे अब अगर एंजाइम्स ज्यादा सिक्रीट हो रहे हैं लेकिन ट्रिप्सिन इन्हीबेटर उतना ही है तो इफेक्ट ऑफ द ट्रिप्सिन इन्हीबेटर जो होगा वो ओवरवेलम हो जाएगा मतलब इफेक्ट ऑफ द ट्रिप्सिन इनिबेटर उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं काम कर पाएगा क्योंकि जो जो पेनक्रेटिक एंजाइम्स है उनका कंसनट्रेशन बहुत बढ़ गया है अब इस वजह से अगर ट्रिप्सिन इनहिबिटर नहीं काम कर पाएगा उतने अच्छे से तो जितने भी जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है वो एक्टिवेटेड हो जाएंगे रैपिडली क्योंकि ट्रिप्सिन इनहिबिटर ही नहीं है तो ट्रिप्सिनोजन फिर ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर हो जाएगा और ये जो ट्रिप्सिन होगा ये ट्रिप्सिन बाकी सारे प्रोटिटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा सो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएगा रैपिडली एंड लिटरली डाइजेशन ऑफ द पैनक्रियास और इस पैनक्रियास का ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा लाइक ट्रिप्सिन इनिबीटर अगर नहीं है तो ट्रिप्सिन इनिबेटर अगर नहीं है तो यहाँ पे जो पैनक्राटिक एंजाइम सिक्रीट हो रहे थे और ट्रिप्सिन इनिबेटर सिक्रीट हो रहा था जो कि ट्रिप्सिन का यहाँ फॉर्मेशन नहीं होने दे रहा था तो इसी वजह से जब ये जब ये ड्योडनम के अंदर आता है तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सिक्रीट करता था हमारा एंटेरोकाइनिस जो कि ट्रिप्सिनो को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता था यहाँ पे ट्रिप्सिन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है क्यों नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में क्योंकि इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट थे ट्रिप्सिन इनिबेटर्स सो दिस इज द ट्रिप्सिन इनिबेटर स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट थे ठीक है अब क्या हुआ कि जैसे ही डाइजेशन जैसे ही डाइजेशन uh, हो, हो गया सॉरी डैमेज हो गया पैनक्रियाज का या फिर ब्लॉकेज हो गया पैनक्रियाटिक डक्ट का इस वजह से ये जो डैमेज एरिया की वजह से यहाँ पे जो पेनक्राटिक सिक्रीशन तो उसी रेट पे हो रहा है जिस वजह से पेनक्रियाटिक सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अगर पेनक्रियाटिक सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और uh, हमारा ट्रिप्सिन इनिबेटर उतना ही है तो ट्रिप्सिन उतना ज़्यादा इनिबेटेड नहीं रह पाएगा जिसकी वजह से डाइजेशन ऑफ द पेनक्रियाज होने लगेगा पेनक्रियाज का क्या होने लगेगा डाइजेशन होने लगेगा पेनक्रियाज और ज्यादा डिस्ट्रॉय होने लगेगा इसको हम लोग कहते हैं एक्यूट इस एक्यूट एकटिस होने की वजह से ये बहुत ही सबसे पहले तो लाइफ टाइम पेनक्रियाटिक इनसफिशियंसी रहेगा मतलब उसका पेनक्रियाटिक सिक्रीशन कभी नहीं है। उसको पेनक्रियाटिक uh, सिक्रीशन उसके कभी आ, आ, नहीं उसके अंदर कभी पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस नहीं होंगे सो लाइफ टाइम पेनक्रियाटिक इनसफिशियंसी तो होगा ही इसके साथ साथ ये, भी तो, आ, ये लीथल भी होता है ड्यू टू सर्कुलेटरी शॉक तो ये जान दैट इज लीथल भी होता है ड्यू टू द सर्कुलेटरी शॉक सो दिस वॉज अबाउट द ट्रिप्स इन इनिबिटर केस ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द सिक्रीशन ऑफ बाईकार नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो दैट इज मैकेजम ऑफ सिक्रीशन ऑफ बाईकार्बोनेट आयस सी बाईकार्बोनेट आयन और वाटर जो होता है हमने डिस्कस किया था ये एपिथीलियल सेल्स ऑफ पैनक्रियाटिक डट सिक्रीट करते हैं वेल पेनक्रियाटिक एनजाइम्स जो थे वो पैनक्रियाटिक इसना ही सिक्रीट करते थे सो बाईकार्बोनेट एंड वाटर मेनली सिक्रिटेड बाई द एपिथीलियल सेल्स ऑफ द पैनक्रियाटिक डकट ओके अगर ये हमारा पैनक्रियाज uh, है अगर ये हमारा पेनक्रियाटिक डट है और ये हमारा पेनक्रियाटिक हमारा पेनक्रियाटिक इस नहीं यहाँ पे पेनक्रियाटिक इस नहीं होंगे ये पेनक्रियाटिक इस नहीं है तो ये जो पेनक्रियाटिक डक्ट होता है ये जो पेनक्रियाटिक डक्ट होता है ये सिक्रीट करता है बाइकार्बोनेट एंड वाटर और ये जो एपीथीलियल सेल और ये जो हमारा पेनक्रैटिक इस नहीं होता है ये सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक एनजाइम्स सो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो पेनक्रियाटिक डक्ट की जो एपीथीलियल सेल्स हैं वो बाइकार्बोनेट आयंस को कैसे सिक्रीट करती हैं सो so, लेट सपोज कि ये एक पेनक्रियाटिक डट की सेल है ये सराउंडिंग ब्लड वेसल है और ये इंटरस्टीशियल फ्लूड है और ये ल्यूमन है ओके okay? सो so, सबसे पहले क्या होता है कि ब्लड वेसल से और इंटरस्टीशियल फ्लूड से जो पेनक्रियाटिक डट की जो सेल होती है वो सोडियम और बाइकार्बोनेट का को ट्रांसपोर्ट करवाती है सो सोडियम बाईकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर से सोडियम और बाईकार्बोनेट आयन एंटर करता है पेनक्रियाटिक डट की सेल में और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी एंटर करता है पेनक्रियाटिक डट की सेल में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वाटर के साथ जुड़ करके बाईकार बाई एसिड बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एनजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस और उसी एनजाइम्स के एनजाइम के प्रेजेंस में ये कार्बोनिक एसिड एच दैट इज एस टू सी ओ थ्री एच प्लस और एच सी ओ थ्री माइनस में टूट जाता है ये जो एच सी ओ थ्री माइनस होता है ये ल्यूमेन में सिक्रीट हो जाता है ये अगर सिक्रीट होगा ल्यूमिन में तो इलेक्ट्रो निगेटिविटी इस इलेक्ट्रिकल एले, एले, चार्ज इस सेल का डिसबैलेंस ना हो क्योंकि निगेटिव आयन अगर बाहर गया तो एक निगेटिव आयन हम लोग को अंदर भी लेना पड़ेगा सो बाई कार्बोनेट आयन अगर बाहर जाता है तो क्लोराइड आयन को अंदर लिया जाता है बाई क्लोराइड बाई कार्बोनेट एक्सचेंजर सो ये जो ये जो पंप है उसका नाम है तो होता है क्लोराइड बाई कार्बोनेट एक्सचेंजर उसके थ्रू बाईकार्बोनेट आयन जब सिक्रीट होता है तो क्लोराइड आयन को अंदर लिया जाता है ये क्लोराइड एन फिर वापस क्लोराइड चैनल्स के थ्रू ल्यूमेन में सिक्रीट हो जाता है यहाँ पे जो H+ बना रहता है ये H+ फिर बाहर निकलता ये निकलता है ब्लड वेसल्स दैट इज इंटस्ट्रेशियल फ्लूड में बाहर निकलता है और ये H+ जब इंडस्ट्रीशियल फ्लूड में बाहर निकलता है तो क्योंकि पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है तो एक पॉजिटिव आयन अंदर आना चाहिए तो वो सोडियम आयन अंदर आता है दिस इज अ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इस पंप का नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर सो इस पंप के थ्रू क्या होता है कि हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है एक्स्ट्रा सेलुरर फ्लूड में और सोडियम आयन का सोडियम आयन अंदर आ जाता है फिर ये सोडियम आयन फिर बाहर निकल जाता है एक्स्ट्रा सेलुरर फ्लूड में और पोटेशियम आयन इसके इसके अगेंस्ट में अंदर आ जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप जो कि ई यूज़ करता है एंड फाइनली ये पोटेशियम आयन जो होता है वो पोटेशियम चैनल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है एक्स्ट्रा सेलुरर फ्लूड में सो so, हमने देखा कि कैसे बाइकार्बोनेट आइन जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट था उसका सिक्रीशन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड आके वाटर से जुड़ करके बाईकार्बन कार्बोनिक एसिड बनाया जिसने एच थ्री माइनस दे करके और एच थ्री माइनस के रिलीज कर दिया क्लोराइड के एक्सचेंज में और फाइनली ये जो H प्लस था ये भी बाहर निकल जाता है जिसको सोडियम लेकर के पहले सोडियम बाहर निकल सोडियम आता है फिर सोडियम में निकलता है फिर पोटेशियम आता है और पोटेशियम भी निकल जाता है सो इस तरह बाईकार्बोनेट आइन का सिक्रीशन हो जाता है ल्यूमेन ऑफ द पेनकेटिक डक्ट में ओके नाउ कुछ सोडियम और हाँ, वॉटर जो होते हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू भी दो सेल्स के बीच में दैट इज इंटर सेल्यूलर जंक्शन से बाहर के ल्यूमन में सिक्रीट होते हैं सो दिस वॉज द अबाउट द सिक्रीशन ऑफ द बाइकार्बोनेटाइन हाउ द सिक्रीशन ऑफ बाई कार्बोनेटाइन अकर्स नाउ कमिंग टू द रेगुलेशन ऑफ पेनक्रियाटिक सिक्रीशन कमिंग टू द रेगुलेशन ऑफ पेनक्रियाटिक सिक्रीशन

और एसिनर सेल्स को ये करेगा दिस कोलेसोकाइन तो जो होता है वो सिक्रीट होता है बाय आई सेल्स ऑफ ड्योडोनम एंड जेजुनम तो ड्योडेनम और जेजुनम के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं आई सेल्स ये सिक्रीट करते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन और ये कोलेसिस्टोकाइनिन भी स्टूमलेट करता है एसिनर सेल्स ऑफ पैनक्रियास सो दिस इज ऑफ स्टलेटिंग ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का सिक्रीशन बढ़ जाए नाउ कमिंग टू सीक्रेटिन, सीक्रेटिन सिक्रीट होता है डिओडोनम एंड जेजनम के एस सेल्स से वेन हाईली एसिडिक फूड एंटर्स द स्मॉल इंडस्ट्रीन तो स्मॉल इंडस्ट्रीन में जैसे ही बहुत हाईली एसेटिक फूड आता है तो यहां पर कुछ एस सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं सीक्रेटिन अब ये सिक्रेटिन जो होता है वो स्ट्यमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर एंड बाईकार सोडियम बाईकार्बोनेट बाई पेनक्रियाटिक डिथीलियम सो यह सिकरेटिन जो रिलीज हुआ एस सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टीन से जब हाईली एसिडिक फूड एंटर हुआ है स्मॉल इंटेस्टीन में यह सिकरेटिन स्टमुलेट करेगा डक्ट्स को यह पेनक्रियाटिक एस एनआई को स्टमलेट नहीं करके डकट्स को स्टमलेट करेगा जिसकी वजह से यहां से वाटर और सोडियम बाई कार्बोनेट बहुत ज्यादा सिक्रेट होगा और वाटर और सोडियम बाई कार्बोनेट बहुत ज्यादा क्यों सिक्रेट होगा ताकि यहाँ पे जैसे बहुत हाईली एसिडिक फूड इसके लिए स्टुमनस था तो ये हाईली एसिडिक फूड को ये न्यूट्रलाइज कर सके इस वजह से जैसे जितना ज़्यादा हाईली फूड सिक्रेट हुआ उतना ज़्यादा एस सेल्स ने सिक्रेट ने रिलीज किया उतना ज़्यादा सोडियम बाइकार्बोनेट और वाटर रिलीज हुआ और उतना ज़्यादा न्यूट्रलाइजेशन होगा और फाइनली फूड का न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा सो दिस इज हाउ द पैनकैटिक सिक्रेशन इज रेगुलेटेड बाई थ्री स्टुमस दैट इज एसेटलकोलिन कोलेसटोकिन एंड नाउ कमिंग टू द फेजेज ऑफ पैंक्रियाटिक सिक्रीशन पैनक्रियाटिक सिक्रेशन जैसे हमने गैस्ट्रिक सिक्रीशन के अंदर तीन फेजेस पढ़े थे फेज वैसे ही पेनक्रियाटिक सिक्रेशन के अंदर भी तीन फेजेस होते हैं सैफेलिक फेज गैस्ट्रिक फेज एंड इंटेस्टीनल फेज सेफेलिक फेज जो होता है दैट इज़ हमें पता है कि जब खाना स्टमक के अंदर एंटर नहीं किया है लाइक like साइट uh, खाना को सिर्फ देखने से दैट इज साइट ऑफ फूड स्मेल ऑफ फूड थॉट ऑफ फूड टेस्ट ऑफ फूड या फिर फूड को खाने के बाद खाने के बाद मीन्स uh, स्टमक खाने के बाद लेकिन स्टमक में एंटर करने से पहले जो फेज होता है उसको हम लोग कहते हैं सेफेलिक फेज ये सेफेलिक फेज के समय में क्या होता है कि एसेटल कोलिन रिलीज होता है वेगल नर्व एंडिंग से इन द पैनक्रियाज जिसकी वजह से 20% परसेंट ऑफ द टोटल पैनक सिक्रीशन जो हो जाता है वो इस सेफेलिक फेज में ही हो जाता है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट का भी सिक्रीशन होता है लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल अमाउंट में होता है नेक्स्ट इज द गैस्ट्रिक फेज गैस्ट्रिक फेज जो होता है इसमें ये गैस्ट्रिक फेज मतलब जो हमारा फूड है वो स्टमक के अंदर एंटर कर चुका है वो वाला फेज जो होता है वो गैस्ट्रिक फेज होता है इस गैस्ट्रिक फेज़ में जो एंजाइम सिक्रीशन होता है वो इसी नर्वस स्टूमुलेशन से कंटिन्यू होता है दैट इज पैरासिम्प वेगल नर्व एंडिंग से जो स्टूमलेट हुआ था हमारा एंजाइम सिक्रीशन वही स्टूमुलेशन कंटिन्यू करता है गैस्ट्रिक फेज में भी जिसकी वजह से फाइव टू टेन परसेंट ऑफ द टोटल पैनक्रियाटिक सिक्रीशन इस फेज में होता है और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट का भी सिक्रीशन होता है कमिंग टू इंटेस्टाइनल फेज दैट इज फूड जो है वो स्टमक को छोड़ करके इंटेस्टिन के अंदर एंटर कर चुका है तो इस फेज के को स्टमलेट करने का काम करता है मेनली सीक्रेटिन हमने पढ़ा था कि जैसे ही एसिडिक फूड एंटर करता है इंटेस्टाइन के अंदर सी एस सेल्स ऑफ द डिओडरमेंट एंड जेजुनम स्टुमलेट हो जाते हैं और वो रिलीज करते हैं सीक्रेटिन और जो पेनक्रियाटिक सिक्रीशन हो जाता है वो कोपियस दैट इज बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा एग्जाजरेटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जाता है पेनक्राटिक सिक्रीशन इंटेस्टिनल फेज के दौरान सो दिस इज दिस वेयर द फेजेज ऑफ द पैनक्रियाटिक सिक्रीशन आफ्टर फेजिज ऑफ द पैनक्रियाटिक सिक्रीशन वी विल बी डिस्कसिंग दैट

देर इज अफर देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पेनक्रियाटिक एनजाइम्स लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर और सोडियम बाईकार्बोनेट हैं एन्जाइम्स के साथ जाने के लिए तो क्या होगा मीन्स पेनक्रियाटिक एन्जाइम्स तो बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है या फिर नॉर्मल अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है लेकिन सोडियम और सोडियम बाईकार्बोनेट और वाटर जो पैनक्रियाटिक ड से सिक्रीट हो रहा है होता है वो सिक्रीट नहीं हो रहा है तो क्या होगा तो ये होगा दैट विदाउट वाटर मोस्ट ऑफ द एंजाइम रिमेन टेम्पोरली स्टोर्ड इन दिन ऑफ डग्स अंटिल मोर फ्लुइड सिक्रीशन कम्स एलॉन्ग टू वॉश दम इन टू ड्यूडेनम सो अगर यहाँ पे सोडियम बाई कार्बोनेट और वाटर का सिक्रीशन नहीं हो रहा है इस वजह से ये जो पेनक्रेटिक एन्जाइम्स है ये आगे की तरफ वॉश आउट नहीं हो पाएगी ओके ड्यू टू द लेस प्रोडक्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम बाई कार्बोनेट पेनक्रेटिक एन्जाइम्स आर नॉट मच रिलीज इन टू ड्यूडेनम क्योंकि पेनकैटिक एन्जाइम्स यहाँ कंसनट्रेटेड फॉर्म में रहेगी और इनको बाहर ले जाने के लिए एक मीडियम भी तो चाहिए तो वो मीडियम होता है वाटर और सोडियम बाइकार्बोनेट का मीडियम इस मीडियम के एब्सेंस में ये पेनक्रैटिक एंजाइम्स ड्योडनम के अंदर सिक्रीट नहीं हो पाएगी अगर एडिक्वेट प्रोडक्शन हो रहा है वाटर और सोडियम बाइकार्बोनेट का तब जाकर के ये पेनकैटिक एंजाइम्स जो यहाँ पे बन रहे थे उनको एक मीडियम मिलेगा कि वो बाहर की तरफ वॉश आउट हो सके तो ये ईजिली बाहर की तरफ डोडनम में वॉश आउट हो पाएंगी इसीलिए सो सीक्रेट सीक्रेटिन जो कि जो कि वाटरी सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट को को कर पाता है उसका रिक्वायरमेंट होता है ताकि पेनकैटिक एंजाइम्स ईजिली वॉश आउट हो सके या फिर ईजली रिलीज हो सके ड्योडनम के अंदर सो दिस वॉज द आंसर टू दैट वाई सीक्रेटिन और वाटर सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट इज इंपॉर्टेंट आफ्टर दिस वी विल बी डिस्कसिंग द रोल ऑफ सीक्रेट इन नाउ कमिंग टू द रोल ऑफ सीक्रेटिन रोल ऑफ सीक्रेटिन हमने पढ़ा था मेन रोल तो सीक्रेटिन का हमने पढ़ चुके हैं कि ये डक पैनक्रेटिक डक्ट की सेल्स को स्टमुलेट करने का, का काम करता है ताकि वो वाटर और सोडियम बाइकार्बोनेट को रिलीज uh, करवा सके लेकिन अगर हम लोग इसका पूरा मैकेनिज्म देखें कि सीक्रेटिन कैसे रिलीज होता है तो हमें पता था कि सीक्रेटिन जो होता है वो एस सेल्स ऑफ द म्यूकोसा ऑफ एंड जेजनम में uh, से रिलीज होता है तो जो भी म्यूकोसा ऑफ द एंड जेजनम के एस सेल्स होंगे वो रिलीज करेंगे सीक्रेटिन इन एन इनएक्टिव फॉर्म जिसका नाम होगा प्रो फिर जैसे ही स्टूमलस मिलता है जैसे ही स्टूमलस मिलता है एसिडिक काइम जैसे ही स्टूमलस मिलता है स्टूमलस क्या होता है एसिडिक काइम जब ड्यूडम के अंदर एंटर करता है विथ पी ऑफ फोर टू फाइव तो, तो ये प्रो सीक्रेटिन में कन्वर्ट हो जाता है एंड रिलीज ऑफ द सीक्रेटिन फ्रॉम द न्यूकोस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ब्लड अब ये सीक्रेटिन स्मॉल इंटेस्टिन से ब्लड में चला जाता है ब्लड में जाने के बाद ये स्टूमलेट करता है पैनक्रियाटिक डक्ट को रिलीज़ करने के लिए वाटर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट अब सोडियम बाइकार्बोनेट जब पैंक्राटिक डक्ट से रिलीज हो जाता है तो ड्योडनम के अंदर प्रेजेंट एच सी एल डेट इज एसिडिक सोल्यूशन से रिएक्ट कर करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है जिसके अंदर एन और बाईकार और कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है फिर ये कार्बोनिक एसिड फाइनली एच और सी में टूट जाता है सो so, और इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है जिसको एक्सपायर कर दिया जाता है लंग के थ्रू और एन ए सी एल न्यूट्रल सोल्यूशन जो हो जाता है न्यूट्रल सोल्यूशन जो हो जाता है वो वहाँ का वैसा का वैसा रिमेन रहता है एसिड कंटेंट्स जो होते हैं एसिड कंटेंट्स जो होते हैं वो फाइनली क्या होते हैं न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और पेनक्राटिक एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं ड्यूडम के अंदर जो सॉरी प्रोटिटिक एंजाइम्स जो कि ड्यूडम की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ब्लॉक हो जाती है तो फाइनल रिजल्ट इसका क्या हुआ कि एसिड कंटेंट न्यूट्रलाइज़ हो गए क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया और इसकी और एसिड uh, कंटेंट्स की न्यूट्रलाइजेशन होने की वजह से जो प्रोटिटिक एंजाइम की एक्टिविटीज़ थी डोडनम में वो फाइनली ब्लॉक हो जाती है क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो प्रोटोलिटिक एंजाइम्स थे लाइक like, पेप्सिनोजन था वो पेप्सिनोजन पेप्सिन pepsin में कन्वर्ट होता था एसिडिक मीडियम में तो एसिडिक मीडियम ही अगर हमने न्यूट्रलाइज़ कर दिया तो प्रोटोलिटिक एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ जो होती है वो ड्यूडनम में ब्लॉक हो जाती है क्योंकि उसके पहले प्रोटीन्स के डाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है उसके बाद उस वहां तक सारे प्रोटीन्स का लगभग डाइजेशन हो जाता है तो उन एंजाइम्स की एक्टिविटीज को ब्लॉक करने के लिए इसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है सो दिस दिस वॉज द रोल ऑफ सीक्रेटिन कि कैसे सीक्रेटिन ने स्टमलेट किया पेनकैटिक डट की सेल्स को और उसने रिलीज किया सोडियम बाइकार्बोनेट और वाटर एंड फाइनली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से एसेटिक uh, मीडियम को खत्म कर दिया गया जैसे जिससे प्रोटीलेटिक एंजाइम्स की एक्टिविटीज इनबिट हो गई

सो so, जैसे ही ये प्रोटीजिस पेप्टोन्स और लॉन्ग चेन फैटी एसिड अपर स्मॉल इंटेस्टीन में आते हैं तो ये स्टूमुलेट करते हैं सिक्रीशन ऑफ द सीसी के फ्रॉम आई सेल्स इन द म्यूकोस ऑफ एंड अपर जेजनम सो so, डियोडनम एंड अपर जेजनम के जो आई सेल्स होते हैं वो सीसी का सिक्रीशन करते हैं ये सी के फिर ब्लड के थ्रू पास करता है पेनक्रियाज में और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के सिक्रीशन को स्टुमलेट कर देता है सो so, हमने रोल ऑफ सिकरेटिन समझ लिया रोल ऑफ सी समझ लिया एंड फाइनली हमने ये पूरा का पूरा टॉपिक दैट इज़ एक्सोक्राइन पेनक्रियाज कंप्लीट कर लिया सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक दैट इज़ एक्सोक्राइन पेनक्रियाज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सो इफ यू वांट नोट्स फॉर द फॉलोइंग वीडियोज़ यू कैन डी एम मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल लिंक इज द गिवन इन द डिस्क्रिप्शन So that's all.